नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी दुद्धि से बीजेपी विधायक रामदुलारे गोंड को सोनभद्र की एमपी एमएलए कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि विधायक को कोर्ट ने 12 दिसंबर को दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया था और जेल भेज दिया था। अब सजायाफ्ता होने के बाद उनकी विधायकी जानी तय है। बता दें कि पूरा मामला 2014 का है। पॉक्सो और दुष्कर्म के मामले में 4 नवंबर 2014 से मुकदमा चल रहा था। इस मामले में आईपीसी की धारा 376 व 201 के तहत कोर्ट ने विधायक को 12 दिसंबर को दोषी करार दिया था। फैसला आने पर वादी पीड़िता के भाई ने कहा कि आज न्याय की जीत हुई। उधर विधायक के बेटों की तरफ से कोर्ट से रहम की अपील करते हुए कम सजा सुनाने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि 2014 में प्रधानपति रहते राम दुलारे कोंड पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। इसके बाद नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और 9 सालों की लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया है। बता दें कि दुष्कर्म के बाद पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई थी और 1 साल बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। वादी पीड़िता के भाई ने बताया कि 9 सालों की लड़ाई में विधायक की तरफ से तमाम तरह की धमकियां और प्रलोभन दिए गए। पीटना ही नहीं, उनके बेटों ने तो जान से मारने और गांव से बाहर फेंक देने की धमकी दी डाली। विधायक पर आरोप ये भी था कि उसने पीड़िता को बाली करार देने के लिए भी साजिश रची थी। उसने पीड़िता का फर्जी स्कूल सर्टिफिकेट भी बनवाया और जन्मतिथि बढ़वा दी।